विवादित पोस्टर छपवाने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। पेशी से पहले दिलीप पांडे ने कहा कि वो बेकसूर हैं और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पता नहीं किसके इशारे पे सब किया जा रहा है, पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हताशा की राजनीति से बाहर निकलना चाहिए जो भी ऐसा कर रहा है। नहीं सर, कल भी बात चल रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं से बात करी है पार्टी को सरकार बनाने के लिए। वो मसला अलग है, ये मसला अलग है। जिस केस में मुझे डाला जा रहा है, जिसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरह बेबुनियाद है और ये फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये राजनीतिक साजिश है। पोस्टर विवाद पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी दोनों पर ही पर आरोप लगा रही है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। राजनीति चरम पर है दिल्ली में इस समय।